हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हार्लोज वर्सेस मंकी एक्सपेरिमेंट। आज के इस टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे हार्लोज ने ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से वो आज भी बहुत ही फेमस है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट है आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट इट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस करंट दौर में जितनी तरह के भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर मंकीज़ पे किए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि मंकीज़ का जो ब्रेन है वो तकरीबन ह्यूमन नेचर और ह्यूमन ब्रेन के अकॉर्डिंग तकरीबन उनका सेम ही जो है माइंड प्रोसेस होता है। तो साइंटिस्ट को एक हाइपोथेसिस उन्होंने जनरेट किया कि कोई भी मंकी है या कोई भी जो इंसान है वो स्टार्टिंग में उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, क्या प्राइमरी नीड यानी फूड यानी सिक्योरिटी ज़रूरी होती है या सेकेंडरी नीड यानी लव एंड अफेक्शन ज़रूरी होती है। तो इसी पे एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है हैरी हार्लोज, जिनका एक्सपेरिमेंट रिसर्च ऑन मंकी एक्सपेरिमेंट मंकीज़ पर उसने एक्सपेरिमेंट किया। इसने 1958 में एक न्यू बॉर्न मंकी जो कि अभी पैदा हुआ था उसने चंद घंटे के बाद एक मंकी को जो है एक दो डिफरेंट केजेस में जो है बंद कर दिया। एक केज में उसके सामने दो तरह के अपॉर्चुनिटीज़ दी गई उसको, मतलब एक सरोगेट मदर दी गई जिसमें से एक मदर, एक सरोगेट मदर एक वायर यानी एक लोहे की बनी हुई थी जिसके साथ एक बॉटल यानी मिल्क की बॉटल लगी हुई थी और दूसरी जो सरोगेट मदर थी वो क्लॉथ्स यानी कपड़ों की, सॉफ्ट कपड़े की बनी हुई थी। अब जी हैरी हार्लोज ने क्या चीज़ नोट की, उसने इस चीज़ को नोट किया कि वो जो मंकी है वो अपना ज़्यादातर वक्त उस सॉफ्ट सरोगेट यानी क्लॉथ मदर के साथ जो है अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता है और जब भी उसे भूख लगती है तो वो वायर मदर के पास जाके वहाँ से फूड यानी मिल्क यानी दूध पीता है। तो यहाँ से उसने एक चीज़ जानी कि सिर्फ हमारी लाइफ में फूड ही ज़रूरी नहीं होता, फूड एक लिमिट तक ज़रूरी होती है लेकिन अपनी लाइफ को जीने के लिए हमें लव एंड अफेक्शन की ज़रूरत होती है। क्योंकि उस मंकी को जब भूख लगती थी तो वो भूख की तलब को अपनी ये वायर मदर से जो है पूरा कर लेता था लेकिन उसे लव अफेक्शन नीड और केयर की ज़रूरत थी जो उसे उस क्लॉथ मदर के साथ मिलती थी। क्योंकि उसे क्लॉथ मदर के साथ उसको वो अफेक्शन वो लव वो केयर मिलती थी। अब जी उसने हैरी हार्लोज ने इसमें थोड़ा सा एक और एडिशन किया, उसने ये एडिशन चीज़ की कि उसने कुछ देर के लिए उस क्लॉथ मदर को पिंजरे से बाहर निकाल कर अलहदा कर दिया। जब उस मंकी वो वापस मंकी आया और उसने देखा कि वहाँ पे क्लॉथ मदर नहीं है तो वो अचानक से चिल्लाना शुरू कर दिया, वो बेचैन हो गया यानी उसको एक डर महसूस लगने लगा। अब उसने क्या नोट किया, उसे भूख भी मतलब जो है भूल गई है, उसे ये भी नहीं पता चल रहा कि मुझे भूख लगी है या मुझे अब जो है खुराक की ज़रूरत है। तो यहाँ से जो हमें सीखने वाली चीज़ आज के इस टॉपिक से मिलती है वो ये मिलती है कि हमारी लाइफ में सिर्फ खाना पीना या प्रोटेक्शन यही ज़रूरी नहीं होती, हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ में, हर सिचुएशन में लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिनके साथ हम अपने सुख दुख या अपनी बातें शेयर कर पाएँ। इससे जो मैं सीखता हूँ एक अच्छी बात कि हमें लाइफ में ज़िंदा नहीं रहना, सिर्फ ज़िंदा, क्योंकि खाना पीना हम सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं लेकिन ज़िंदगी को जीने के लिए हमें लव अफेक्शन और केयर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।